हेलो स्टूडेंट आई एम रोशनी फ्रॉम इन लाइटनिंग सेल्फ स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड दैट द सेल टिपिकल सेल हैज द फॉलोइंग थ्री मेन पार्ट्स व्हाट आर द थ्री मेन पार्ट्स बेसिक थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं दैट इज सेल के कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स सेल के थ्री बेसिक मेन पार्ट्स होते हैं जिनसे हम कह देते हैं कंप्लीट सेल है वन इज़ सेल मेम्ब्रेन ओके अनदर वन इज स्टूडेंट साइटोप्लाजम साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहाँ हो गया सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में और जो थर्ड है दैट इज स्टूडेंट्स न्यूक्लियस ओके सो वी हैव डिस्कस ऑल द थ्री थिंग्स सेल मेम्ब्रेन भी डिस्कस कर लिया सेल मेम्ब्रेन कौन सी होगी आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लाइक सब्सटेंस फिल्ड है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म और अंदर की साइड में बेटा क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ओके okay. देन नाव यू विल सी अबाउट सम प्रियो कार्योड्स एंड ईओ कार्योड्स ओके सो वट इज द प्रियो कार्योट्सिक एंड ईओ कार्योटिक सेल्स फ्रेंड्स सो सबसे पहले हम डिस्कस करते ई कार्योटिक सेल्स कौन सा होता है ओके सो द सेल्स दैट हैव ट्र्यू न्यूक्लियस जिन में क्या होता है बेटा जो ये सेल हो गया इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है एक मैमब्रेन होती है तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है ये वेल well मैमब्रेनड है ओके ट्रू न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस सो द सेल्स दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस कौन सा हो गया सो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस जिसमें उसको कहे जिसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस किसके अंदर होगा स्टूडेंट्स जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा एक लेयर होगी ओके okay, जिस सेल मेम्ब्रेन बोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं तो जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप है उस टाइप के हम सेल को क्या बोलते हैं ईओ सेल्स क्या बोलते हैं हम ई सेल सो द सेल्स दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस का मतलब समझ आ गया कि जिसमें जैसे हमारी बॉडी के देखो स्टूडेंट्स बाहर में क्या दिख रही है स्किन दिख रही है तो हम आउटर से सेपरेट हो गए आउटर बाउंड्री से ये अगर स्किन आ गई तो हमने सेपरेट कर दिया आउटर इन्वायरमेंट से तो इसी तरीके से क्या हो गया जैसे यहाँ पे अगर अब यहाँ बीच में कोई बाउंड्री ना हो तो आप कहोगे ये सारी चीज़ क्या है एक जैसी चीज़ है यहाँ पे सारी लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक को इसी की चार तरफ बाउंड्री बना दिया से ये कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई थी स्टूडेंट्स उसकी चारों तरफ बाउंड्री बना दी तो इसका मतलब क्या हो गया ये कोई सेपरेट चीज़ है तो उसको हमने क्या क्या नाम दिया न्यूक्लियस सो ट्रू न्यूक्लियस किसे कहेंगे स्टूडेंट्स दैट हैव सेल मेम्ब्रेन सॉरी दैट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इफ़ न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट मीन्स दैट न्यूक्लियस इज़ ट्रू न्यूक्लियस और दैट टाइप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड ईओ सेल उस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हैं द सेल्स दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस या कह दो आप द सेल्स दैट हैव वेल बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सो उसे हम कहते हैं ईओ कार्योटिक सेल्स एंड द ऑर्गेनिजम्स विथ ट्रू न्यूक्लियस और जिन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ईओ कार्योट्स उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम ईयोक्योट्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन और एलगी को छोड़ के बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स वेल मैम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन सो वेल मैम्ब्रेन वेल डेवलप्ड मैम्ब्रेन मिलेगी उसमें सो so, जिसको हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस सो so, ज एक्सेप्ट कौन सा बेटा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं इोकारोट ओके क्योंकि उनके अंदर क्या है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो ईओ कार्योटिक सेल्स आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ सो वट इज इोकारोटिक सेल्स तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सो द सेल्स जैसे हमने देखा अनियन सेल है चीक सेल्स है तो उनमें क्या है वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर क्या हो स्टूडेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए तो उस टाइप के हम सेल्स तो जिन सेल्स uh, के अंदर वट आई टोल्ड बेटा जिन सेल्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस या वेल डेवलॉप्ड न्यूक्लियस है उनको हम बोलते हैं ईओ कार्योटिक सेल एंड द ऑर्गेनिजम्स च हैव वेल डेवलप्ड वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस क्या बोला मैंने एंड द ऑर्गेनिजम्स विच हैव विच हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस दिस दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड योर कारियोड्स ऑल यू कैन से चीक सेल ऑनियन सेल प्लांट सेल एनिमल सेल्स ऑल हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस सो दे आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ सेल ईओ कार्योटिक सेल एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ईओ कार्योड्स तो ह्यूमन बींग क्या है बेटा इओ कार्योड्स है अब आ जाओ हम डिस्कस करते हैं प्रियो कार्योड्स प्रियो कार्योड्स कैसे कहते हैं प्रियो कार्योटिक सेल कौन सा हो गया देखो जिन ऑर्गेनिजम्स में अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है सो द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद द सेल हैविंग न्यूक्लियर मेटेरियल जितना भी न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है सो so, न्यूक्लियर मटेरियल जो है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब <coughs> न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया बेटा न्यूक्लियोलस देन आपने पढ़ा है डी ओके okay, जिस क्रोमोजोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कहा था क्रोमोजोम्स ये सब किसके अंदर था एक वेल बाउंडेड मेम्ब्रेन के अंदर था ना सो वाट इज द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मैटेरियल जितना भी ये न्यूक्लियर मैटीरियल है ये न्यूक्लियोलस और ये हम हमने कहा लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोजोम्स सो न्यूक्लियर मटेरियल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इनके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर ना हो तो इसका मतलब क्या हो गया न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डेवलप्ड आप सीधे अक्षरों में क्या कह सकते हैं दिस इज़ नॉट ए ट्रू न्यूक्लियस अगर ये मेम्ब्रेन नहीं हुई इसके बाहर सो दैट न्यूक्लियस इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस उसको न्यूक्लियस को क्या कहेंगे हम नॉट ट्रू न्यूक्लियस या नॉट वेल डेवलॉप्ड न्यूक्लियस या हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स नॉट वेल डेवलॉप्ड न्यूक्लियस सो जिनमें वे जिन ऑर्गेनिजम्स में व्हाट आई वांट टू टेल यर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप सो दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डेवलॉप्ड दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रियोकियोड्स एंड इन विच

ओके सो देर इज नॉट हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हैं प्रियो सेल वट वी कॉल प्रियो सेल्स सो वट वी विल राइट वट आई टोल्ड यर सो वैक्यूल समझ आ गया सो so, वैक्यूल में क्या होता है बेटा इट्स स्टोर वेस्ट ऑल्सो आर असेंशियल न्यूट्रिय ऑल्सो ओके देन ये वैक्यूल जो होगा ना बेटा स्टूडेंट्स दिस इज़ सपोज प्लांट सेल और दिस इज एनिमल सेल ओके तो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज़ क्या होगा बिगर और एनिमल्स में या तो वैक्यूल्स एबसेंट होते हैं और इफ़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल देन देर साइज इज वेरी स्मॉल ओके सो वैक्यूल साइज इज स्मॉल इन एनिमल सेल किस में स्मॉल होगा बेटा एनिमल सेल में और वैक्यूल का साइज़ बड़ा किस में होगा प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज क्या होगा बिगर ये वैक्यूल मोस्टली क्या होता है एक प्लांट सेल कोई भी एक सेल है उसके अंदर एक ही वैक्यूल होता है मोस्टली ओके सिंगल वैक्यूल एंड ए बिग इन द अनियन सेल चेक सेल हैव सिमिलर वैक्यूल लेकिन वो क्या होगा एनिमल uh, सेल्स के अंदर मत स्मॉलर स्मॉलर भी या तो वैक्यूल एबसेंट होता है ओके okay, और अगर प्रेजेंट है तो वह क्या होगा बिल्कुल स्मॉल प्रेजेंट होगा आई होप इट इज क्लियर नाउ now वी विल सी हर दिस अब देखो बेटा वी हैव सीन सम कलर्ड बॉडीज ओके दिस कलर्ड बॉडीज आपने देखा होगा दिस इज सपोज प्लांट सेल ओके अब याद रखो प्लास्टिड्स जो होंगे ना ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स प्लास्टिड्स हमेशा किसके अंदर होंगे स्टूडेंट्स ओनली प्लांट सेल्स के अंदर किसके अंदर होंगे ओनली प्लांट सेल्स अब जो ये प्लास्टिक्स है स्टूडेंट्स यू विल सी हेयर ये न्यूक्लियस हो गया ठीक है ये न्यूक्लियस है सो so, ये प्लास्टिड्स जो जो होते बेटा कहाँ फाउंड आउट होते हैं प्लांट सेल के अंदर ओके प्लांट सेल में सो दिस इज वट सेल मेम्ब्रेन इन ये न्यूक्म अब ये प्लास्टिड्स कहाँ मिलेंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ओके okay, साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्क्रेटेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीव सेल्स जो लीव के अंदर जो सेल्स होंगे उन लीव सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होगा स्टूडेंट वहाँ पे स्क्रैटेड स्क्रैटेड का मतलब क्या होता है बिखरे हुए होते हैं ओके okay, अब हम देखेंगे प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स प्लास्टिड्स कितने टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स मेनली थ्री टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं ओके नाउ वी विल सी क्रोमोप्लास्ट नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट होती है क्रोमोप्लास्ट आर कैसी पिगमेंट होती है स्टूडेंट्स कलर्ड प्लास्टिड्स इनको हम क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं आर कलर्ड प्लास्टिड्स दे हैव पिगमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स इनमें क्या बेटा एक्सेप्ट ग्रीन ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी बहुत सारी अदर पिगमेंट्स प्रजेंट होती है दे हैव पिगमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स कौन सी नहीं होगी क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट ग्रीन नहीं होगी ग्रीन को छोड़ के बाकी डिफरेंट डिफरेंट कलर की पिगमेंट वहाँ पर प्रजेंट हो गए दैट्स वाई यू विल सी द कलर ऑफ द फ्लार डिफरेंट होते हैं अलग अलग कलर्स पिंक फ्लावर्स ब्ल्यू फ्लावर्स देन यू विल सी व्हाइट फ्लावर्स सो एंड द फ्लार्स कलर्स प्लस यू विल सी द कलर्स ऑफ द फ्रूट्स फ्रूट्स के भी आप देखते हो बेटा जैसे टोमेटो का कलर रेड uh, आता है ब्रिंजल का कलर देखा है ऐसा कलर देन अदर्स फ्रूट्स के भी एप्पल का कलर रेड सो दीज आर फ्रूट्स को जो कलर प्रोवाइड कर रही है फ्लावर्स को जो कर रही है देन कुछ पिगमेंट्स आपने लीव्स के भी देखे होंगे लीव के अंदर भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है विच गिव कलर टू द प्लांट्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड लीव्स सो ऐसा नहीं है कि लीव्स के अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट नहीं होती कई बार ग्रीन पिगमेंट क्या है क्लोरोफिल लेस होती है एंड अदर पिगमेंट्स आर मोर अमाउंट ज़्यादा मात्रा में होगी दैट्स वाई यू विल सी द कलर ऑफ द लीव्स कई बार आपने देखा होगा लीव्स का कलर स्लाइटली क्या है डार्क रेड सा होता है डार्क रेड कलर सो वाई बिकॉज देर आर सम अदर पिगमेंट देन ग्रीन ग्रीन पिगमेंट के सिवा अदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होती है दैट्स वाई द लीव्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स

कलर्ड प्लास्टेट्स को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और इसके अंदर क्या होती है अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है एंड दे डि गिव कलर टू द फ्लावर्स आल्सो एंड फ्रूट्स आल्सो एंड एंड सम प्लांट्स लीव्स कलर आल्सो यू विल सी ऑफ डिफरेंट कलर्स नाउ वी विल सी वन मोर टाइप ऑफ पिगमेंट दैट पिगमेंट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स ल्यूको उसको हम क्या बोलते हैं प्लास्ट वट वे कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट ओके ना ल्यूकोप्लास्ट कैसी पिगमेंट होती है कलरलेस सी ओ एलो योर कलरलेस पिगमेंट्स ठीक है कलरलेस मत जिसका कोई कलर नहीं होता कैसी पिगमेंट्स होती है कलरलेस सॉरी ल्यूकोप्लास्ट कैसी प्लास्टिक्स होती है कलरलेस जो इनका कोई कलर नहीं होता उस टाइप के हम प्लास्टिक्स को प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा कलर

पिगमेंट uh, क्या देती है बेटा इसका मेन काम आ गया स्टोर फैट स्टार्च एंड प्रोटीन्स और ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और uh, जो फर्स्ट वाली जो मैंने बताई थी दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट होगी क्लोरोफिल विच गेव कलर ग्रीन कलर टू ऑल द प्लांट्स लाइक लीव्स जो ग्रीन कलर की है स्टेम ग्रीन कलर की है वेयर फोटो सिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस नाउ वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स ये मैंने आपको डिस्कस भी करके बता दिया है ओके सो दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे ग्रीन कलर ग्रीन कलर क्यों दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द पिगमेंट विच पिगमेंट इज प्रेजेंट बेटा क्लोरोफिल सो so, अरे क्लोरोफिल क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या प्लांट के अंदर फूड प्रिपेयर होगा नो फूड इज नॉट प्रिपेयर इन द प्लांट्स नाउ यू विल सी लेट्स वी विल कंपेयर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल यहाँ पे देखो बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल यहाँ देखो उसके इसकी बाउंड्री में देखो सेल वॉल है एक लेयर और दिख रही है सेल वॉल बट यहाँ पे देखो कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है ओके सो इन प्लांट सेल दिस इज प्लांट सेल और दिस इज एनिमल सेल ओके सो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है सेल वॉल बट इन एनिमल सेल में सेल वॉल क्या है एबसेंट ओके दूसरा देखो ये क्या है बड़ा सा जो दिख रहा है आपको बड़ा सा ये क्या है बेटा वैक्यूल है ये तो यहाँ पे कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पे वैक्यूल क्या ये देखो छोटा सा वैक्यूल्स प्रेजेंट है एनिमल सेल में सो so, प्लांट सेल में क्या है वैक्यूल साइज इज बिगर बट इन एनिमल सेल वैक्यूल साइज इज स्मॉल अच्छा थर्ड डिफरेंस देखो जी यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या दे रखा है ये वाली जो चीज़ ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है इसको हम क्या बताते हैं क्या बोलते हैं बेटा हम है? ग्रीन कलर की इसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट सो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स बोल दो सो ये प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट है ओनली इन द प्लांट सेल बट यहाँ पे प्रेजेंट है नो प्लास्टिड्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल सो जैसे क्लोरोप्लास्ट है कहाँ प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट है क्लोरोफिल सो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है ओनली इन प्लांट सेल बट इन एनिमल सेल इट इज एबसेंट नेक्स्ट देखो बेटा न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है साइड के अंदर है और यहाँ न्यूक्लियस क्या है सेंटर के अंदर है सो हेयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड साइड uh, में कहाँ है इन एन प्लांट सेल प्लांट सेल में कहाँ है न्यूक्लियस साइड में और एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ है स्टूडेंट सेंटर के अंदर अब यहाँ पे देखोगे एक और यहाँ पे मैं आपको इसी में शो कर देती हूँ और जो सेल मेंब्रेन है स्टूडेंट ये देखो सेल मेम्बरेन सेल मेम्बरेन दोनों में है प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है प्लांट सेल और एनिमल सेल सेल वॉल केवल एक में प्रेजेंट है न्यूक्लियस बोथ में प्रेजेंट है बट आई टोल्ड प्लांट सेल में ये क्या न्यूक्लियस साइड में आ गया और एनिमल सेल में क्या हो गया सेंटर में न्यूक्लियर मेमब्रेन दोनों में ही है प्लांट सेल में भी और एनिमल में साइटोप्लाज्म बोथ दोनों में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म ओके बट जो साइटोप्लाज्म प्लांट सेल के अंदर है वो ज़्यादा डेंसर नहीं है क्या नहीं है स्टूडेंट्स ज़्यादा डेंसर नहीं है मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता और एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा गाढ़ा होता है प्लांट सेल के अंदर स्लाइटली क्या है डेंसिटीज़ की आ, कम होती है प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट है ऑनलिन प्लांट सेल एनिमल सेल में प्लास्टिड्स क्या है एब्सेंट वैक्यूल भी मैं बता चुकी हूँ दोनों में ठीक है एब्सेंट वैक्यूल बिगर किस में होगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या होगा आइदर एबसेंट और स्मॉल ओके अब जो एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी बेटा ये चीज़ मैं बताना भूल गई यहाँ पे एक चीज़ और सुनो जो मैंने इसमें बताया था ईओ सेल और प्रियोकारियोटिक सेल व्हाट आई टोल्ड अबाउट प्रियोक्योटिक सेल एंड ईओ कार्योटिक सेल प्रियोकोटिक सेल में और ईकारोटिक e सेल में मैंने क्या कहा था जो सेल मैम्ब्रेन है वो सेल मैम्ब्रेन बाउंडेड मटेरियल साइटोप्लाजम के अंदर जितनी भी असेंशियल चीज़ें हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नहीं इसमें जितनी भी मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नहीं होगी ओके या जितनी भी वेल well ऑर्गेनाइज ऑर्गेनल्स है वो न्यूक्लियर सॉरी वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनल्स हैं क्या बोल रही हूँ बेटा मैं ऑर्गेनिल्स ऑर्गेनिल्स जितनी भी ऑर्गेनिल्स साइटोप्लाज्म में होती है वो भी क्या होती है नॉट वेल बाउंडेड वेल मेम्ब्रेन उनके बाहर भी क्या है कोई वेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती जैसे मान लो ये है इसको मैं कह रही हूँ माइट्रोकॉन्ड्रिया ओके सो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखोगे तो एक मेम्ब्रेन ये बाहर आओगे ना तो ऐसे ही इसके अंदर जो अदर ऑर्गेनल्स है दैट आर आल्सो नॉट वेल बाउंडेड मेम्ब्रेन उनमें वेल कोई बाउंड्री की ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है बट दोनों में जो कॉमन चीज प्रजेंट है वो है बेटा राइबोसोम्स क्या है राइबोसोम्स दोनों के अंदर चाहे वो ई सेल हो या प्रियोकारियोटिक सेल हो दोनों के अंदर क्या होगा राइबोसोम्स प्रेजेंट है लेकिन राइबोसोम्स भी क्या होते हैं वट आई टोल्ड राइबोसोम्स जो है राइबोसोम्स ओके राइबोसोम्स में कोई भी वेल बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होती लेकिन राइबोसोम्स टू टाइप का होता है एक सेवेंटी एस और एक को बोलते हैं एट्टी एस ओके okay. जो सेवेंटी एस राइबोसोम्स है वो आपको प्रियोकारियोटिक सेल में मिलेगा और जो एट्टी एस राइबोसोम्स है वो हमें ईओ e सेल्स में मिलेगा अगर ये समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा क्योंकि ये प्लस वन का टॉपिक है मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि केवल पूछ ले कि कौन से दोनों में कॉमन चीज़ क्या मिल रही है तो वो है दोनों में कौन सी ऑर्गेन मिल रही है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स राइबोसोम्स का मेन वर्क क्या है ये सिंथेसाइज क्या करती है बेटा प्रोटीन्स ओके प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते इसको, हैं इसको हम प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ ईओ सेल एंड प्रियो सेल बट प्रियो में सेवेंटी एस राइबोसोम्स है और एटी एस राइबोसोम्स आर फाउंड इन ईओ सेल्स आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग देन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स ऑल्सो और यू कैन कॉल ऑन माई नंबर ऑल्सो now students i will ask one question now today's question is students in prokaryotic cell in prokaryotic cell which type of ribosomes are present okay so which type of ribosomes are present in prokaryotic cells in prokaryotic cell which type of ribosomes are present so this is today's question you can give your response in my comment box and now those who have given me the correct response i will announce the name of the students now i will announce the name of the students, those who have given the correct response. yesterday's question was what was the size of the blood cell, red blood cell? So, red blood cell ka size, cathabeta 7 micron. those who have given the correct response, name i am announcing, uh, pankaj benda, who have announced the answer first. so, 7 micron is the correct answer, pankaj benda first. then second is uras and third is Yashti. other name i am announcing is अमित जी ओके नेक्स्ट इज़ आकाश नेक्स्ट इज़ सुमित नेक्स्ट स्टूडेंट इज़ निपेश अखिल देन यू कैन से खुशबू देन मानसी देन नरेश देन यू कैन से ये ज्ञान कौन से है आई फॉर गेट द नेम अक्षर ओके सो ऑल द स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर गिविंग योर नाइस कमेंट ऑल्सो And your correct answer. So, thank you, students, for watching my videos.